एंड रिजल्ट्स फॉर स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। अब ये इस प्रोजेक्ट को हमने मंजूर किया है जिसमें लगभग 650 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला है और ये लगभग 5 वर्ष के लिए प्रोजेक्ट होगा। और आज इस प्रोजेक्ट का भी हमने यहाँ से विधिवत लॉन्चिंग किया है और इसके पश्चात इसके भी इस संवाद कार्यक्रम के साथ साथ ये कार्यक्रम चलता जाएगा और इसके माध्यम से हम जिला कांगड़ा में प्रारंभ किया है और बाकी हर जिला में इस प्रकार की हम वर्कशॉप्स चलाएंगे और बल्कि हम इसको एक बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहते हैं और ताकि हर ब्लॉक लेवल तक, हर शिक्षण संस्थान तक हमारी ऐसी चर्चा होती रहे। सर, नई शिक्षा नीति में केंद्र ने विश्वविद्यालय स्तर पर जो प्राध्यापकों की तैनातियाँ होती हैं उसके लिए पीएचडी के लिए राहत दी है कुछ समय के लिए, प्रदेश में भी ऐसा किया गया सर या किया जाएगा? देखिए, अभी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बातों को लागू करने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। अभी धीरे धीरे, चाहे हमारा स्कूली शिक्षा है चाहे हायर एजुकेशन है, उस समय कौन कौन सी चीज़ों कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हमने करना प्रारंभ किए हैं। और अभी हमने जो हमारा जो स्कूली शिक्षा से हमने प्रारंभ किया है, एक तो हिमाचल प्रदेश इस बात में अग्रणी हुआ है कि हमारी जो शिक्षा नीति ने यह कहा है कि हमको प्री प्राइमरी कक्षाओं को भी प्रारंभ करना है और लगभग अभी हम 4,500 स्कूलों में प्री प्राइमरी हमने प्रारंभ की है। और जिला कांगड़ा के आज कुछ स्कूलों का तो उदाहरण दिया कि जहाँ पर प्री प्राइमरी में बच्चे 160-170 बच्चों ने भी एडमिशन लिया है। और उसके साथ ये भी कहा है हमने कि जो कक्षा तीसरी है, पांचवी है और आठवीं, इन कक्षाओं के पेपर आने वाले समय में एजुकेशन बोर्ड के द्वारा लिए जाएंगे। ऐसी कुछ चीज़ों को हमने प्रारंभ किया भी और जो आपने कहा कि हायर एजुकेशन में, तो निश्चित रूप से इस सब पर विचार करेंगे। सर, कोरोना में शिक्षा पर काफ़ी गहरा असर छोड़ा है, अगर सबसे ज़्यादा किसी क्षेत्र की बात की जाए, कहीं ना कहीं ये मांग आ रही है सर कि स्कूलों को खोला जाए, किस तरीके का जो है आगामी फैसला लिया जाएगा? देखिए, कोरोना के कारण से मेरा ये मानना है कि लगभग कोई क्षेत्र देश और दुनिया में ऐसा नहीं रहा जिस पर कोरोना का दुष्प्रभाव ना पड़ा हो, और उसमें शिक्षा का क्षेत्र भी रहा है। और आज सभी लोग हम देखते हैं कि लगभग ये 1.5 वर्ष बीत गया है, उससे अधिक का समय हो गया है, तो निश्चित रूप से इसमें शिक्षा का भी नुकसान हुआ है। और जब से लॉकडाउन इत्यादि लगा, कोरोना का प्रभाव हुआ, तो उसके कारण से स्कूल कॉलेज इत्यादि अधिकतर समय बंद चल रहे हैं। लेकिन तब भी हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने एक अपने में एक अनोखा कार्यक्रम प्रारंभ किया जिसका नाम रखा हर घर पाठशाला, और हम ऑनलाइन एजुकेशन देंगे और जिसके माध्यम से हम 92% बच्चों तक हम लोग पहुँच पाए हैं। और ताकि ये काम तो हमने तब प्रारंभ किया कि जितना अधिक नुकसान होना था वो ना हो, और ऐसे समय में सबसे उचित अगर कोई हो सकता था तो वो हर घर पाठशाला के माध्यम से काम किया। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के अध्यापकों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए इसका जो कंटेंट है वो स्वयं तैयार किया, वीडियो बनाने का काम तैयार किया ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और अभी जो आपने कहा है कि हमने अभी विचार किया था कि 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए थे, लेकिन फिर चंबा जिला में बहुत अधिक मामले स्कूली बच्चों के भी आ गए और कुछ अध्यापक भी हमारे कोरोना पॉजिटिव आए, और फिर हमने कहा कि 4 सितंबर तक तो अभी बंद रखने का निर्णय लिया, 4 सितंबर को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि स्थिति क्या है। लेकिन यदि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि लगता है कि हमको शिक्षा का नुकसान नहीं होना चाहिए, और विद्यालयों को खोलने की इच्छा हमारी भी है, बच्चों की भी है, टीचर्स की भी है, और मुझे लगता है पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में जाएं। लेकिन अब बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, कोरोना की क्या स्थिति रहती है ये सब देखते हैं। लेकिन उसके साथ हमने ये कहा है कि जो हायर एजुकेशन, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, इनकी पढ़ाई जारी रहेगी और ये कल से इनकी क्लासेज लगेंगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में देश का पहला राज्य ऐसा बन गया है जहाँ 18+ वैक्सीनेशन हमारी 100% हो गई है, और जिसके कारण से उनको बुलाए जाना मुझे लगता है कि ज़्यादा खतरा नहीं होगा, उससे खतरा कम होता है, तो इसलिए। लेकिन स्कूली शिक्षा पर भी बहुत गहन विचार विमर्श हम और करेंगे, तो देखते हैं स्थिति क्या बनती है, उसके आधार पर आपको जानकारी देंगे। पाठ्यक्रम कटौती को लेकर प्रक्रिया चल रही है, तो कब तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी पाठ्यक्रम कटौती की? स्कूल 4 सितंबर से खोलने की बात की जा रही है रिव्यू के बाद,
सरकार करेगी, लेकिन उससे पहले क्या पाठ्यक्रम कटौती को पर निर्णय ले लिया जाएगा? देखिए अभी उससे पहले तो नहीं, लेकिन उसमें अभी एजुकेशन बोर्ड की भूमिका रहती है, उसमें हम बैठ करके चर्चा करेंगे। ये पिछले सालों में कुछ पाठ्यक्रम की कटौती की थी और उसके आधार पर यदि लगता है तो वो करेंगे, और यदि लगता है कि कोई सामान्य स्थिति की ओर बढ़ते हैं तो फिर आवश्यकता नहीं रहेगी। तो उम्मीद की जा सकती है कि सितंबर माह में नया प्रारूप पाठ्यक्रम का आ जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से। यानी स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, अब इस प्रोजेक्ट को हमने मंजूर किया है, जिसमें लगभग 6.5